अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा सफ़र है गारे हिरा की तरफ। अभी हम होटल से गारे हिरा की तरफ निकल चुके हैं, हमारे साथ रहिएगा। गारे हिरा मस्जिदुल हराम से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। गाड़ी नीचे पार्क करने के बाद सीढ़ियों की मदद से ऊपर आना पड़ता है। ये नीचे जो पार्किंग नज़र आ रही है, ये गाड़ियों का आखिरी स्टॉप है। इसके ऊपर का सारा सफ़र जो है पैदल तय करना पड़ता है। ये जबले रहमत का पहाड़ है और ये नीचे जो बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये मक्का शहर है। अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ये नीचे गारे हरा का खूबसूरत मंज़र, सुभानअल्लाह। और यहाँ से पीछे मक्का शहर का भी नज़ारा किया जा सकता है। मस्जिदुल हराम से गारे हिरा का तकरीबन 4 किलोमीटर का सफ़र है और हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस गार तक पैदल आया करते थे। इसी गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे पहली वही भी नाजिल हुई। अब यहाँ से नीचे गारे हिरा की तरफ चलते हैं। इस गार से गुज़र कर गारे हिरा की तरफ जाना पड़ता है। इन बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान ये तंग सा रास्ता है, यहाँ से गुज़र कर ही हम गारे हिरा तक जा सकते हैं। अब हम गारे हिरा तक पहुँच चुके हैं। ये लाइन में जो लोग खड़े हैं, ये सब नवाफल पढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको बार बार यहाँ आने और इसके तकद्दस का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाएं।